लखनऊ में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में सभी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, पूर्व विधायकों ने, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगणों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, ब्लॉकों ने सदस्यता ग्रहण की है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, जितने सदस्य हमारे ज्वाइन किए हैं कि माननीय मोदी जी के मिशन के तहत हम सब जुटेंगे। विकसित भारत के जो कल्पना, जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष रखी है, उस ओर काम करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तीसरी बार केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और यूपी में 80 में से 80 लोकसभा की सीटें जीतकर हम कीर्तिमान बनाने जा रहे। जो दायित्व उन्होंने दिया है, जो भरोसा किया है इस पिछड़े समाज पर, भरोसे पे मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब भी पार्लियामेंट का चुनाव होगा, 80 की 80 सीटें जीता करके 400 के लक्ष्य को पार करके फिर हम आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो है पूरा करेंगे। लखनऊ में बीजेपी नेता नीरज सिंह कौशल ने विकास रोजगार मेला को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। 9 और 10 मार्च को मेले का आयोजन होगा। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। यह उत्तर प्रदेश वो धरती है जहां पर इन्वेस्टर्स सबमिट होते हैं तो 118 बड़ी नामचीन कंपनियां देश और विदेश की हमारी इस धरती पर आती हैं और 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन करती, और केवल एमओयू ही साइन नहीं करती, हम केवल शिलान्यास ही नहीं करते, हम उद्घाटन भी करते हैं और हम ग्राउंड्स ब्रेकिंग सेरेमनी करके 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं को हमने जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है। यूपी के काकोरी में सिलेंडर विस्फोट में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा। घायलों का हाल जानने लखनऊ के डीएम समेत अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे। बता दें कि घटना की जानकारी खुद सीएम ने ली थी और इलाज में लापरवाही न हो इसका सख्त निर्देश दिया था। एक पर्सन उनमें से 40% बर्न है और 2 क्रिटिकल हैं जो 90% बर्न है और 1 लगभग 50% बर्न है, तो सभी को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाएं, ऐसे निर्देश दिए गए। और बाकी जो भी लोगों की मदद सरकार के द्वारा की जा सकती है। लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस का नया कारनामा सामने आया। पोस्टमार्टम के लिए आई डेड बॉडी को ही बदल दिया गया। डेड बॉडी बदलने से परिजन परेशान हो गए। परिजनों का हंगामा देख डेड बॉडी को कर्मियों ने अपने कब्जे में फिर से ले लिया। दरअसल संध्या प्रजापति नाम के युवती की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी, जिसकी जगह पर किसी और का शव दे दिया गया था। मेरी बॉडी बदल गई है। कैसे बदल गई? हमारा वहाँ पंचनामा हो रहा था, पंचनामे के पहले ही यहाँ बॉडी किसी दूसरे आदमी को। कहाँ पंचायत नामा हो रहा था? मेडिकल कॉलेज चौकी पे। तो जब आप वहाँ से आए तो बॉडी यहाँ पे आपको नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली, बॉडी जा चुकी, दाह संस्कार भी उसका कर दिया गया। वो किन लोगों को दी गई है बॉडी? संध्या दोन थी, दुबे और संध्या प्रजापति। संध्या दुबे को दे दी गई प्रजापति की बॉडी।